हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड है, हम उस जावास्क्रिप्ट का कोड को कहाँ कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट के कोड की लोकेशन क्या होगी। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हम तीन लोकेशंस पर प्लेस कर सकते हैं। नंबर वन, इन द हेड सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दैट इज द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। नंबर टू, इन द बॉडी सेक्शन ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एंड नंबर थ्री, मैंने आपको बताया था कि हम उस कोड को उस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अलावा एक न्यू फाइल क्रिएट करके, यानी एक सेपरेट फाइल की फॉर्म में भी हम उसको सेव कर सकते हैं, और उस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर हम उस कोड को फिर एम्बेड करेंगे। एम्बेड करने के बाद, एम्बेड का मतलब क्या है कि हम एक सोर्स फाइल से उसको लिंक करेंगे और उसके बाद हम उस कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने तीन तरीके से देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हमारा एम ये है कि जब भी हम आउटपुट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स या फिर फंक्शंस अवेलेबल हैं। यानी कि अगर आपने लेटर से कुछ किसी तरह की कोई कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया, और कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट आया, अब हम चाहते हैं कि उस रिजल्ट को किस तरीके से डिस्प्ले किया जाए। सो ये हमारे पास एम है इस वीडियो को स्टडी करने का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर हमें आउटपुट को रिप्रेजेंट करना है। अब आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हमारे पास चार तरीके हैं। पहला, राइट इनटू एन एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग इनर एचटीएमएल। अब इनर एचटीएमएल का एम यह है कि जो भी आपके पास एचटीएमएल का एलिमेंट है, चाहे वो आपका टेबल फॉर्मेट हो, या फिर अज्यूम करो वो आपके पास एक बोल्ड एक एचटीएमएल का एलिमेंट है स्लैश बोल्ड, उसी तरीके से हमारे पास इटैलिक एक एचटीएमएल का एलिमेंट है, उसी तरीके से हमारे पास पैराग्राफ एक एचटीएमएल का एलिमेंट है। तो इस तरीके से कुछ एचटीएमएल जो एलिमेंट्स हैं, हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर इस जो भी हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको एम्बेड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इनर एचटीएमएल। दूसरा, हम आउटपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन। तो एक फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, यानी कि अवेलेबल है। इनर एचटीएमएल भी जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अलावा हम एक अलर्ट बॉक्स भी एक यूज़र को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे। और उसके अलावा हम एक ब्राउज़र के कॉन्सोल के अंदर भी हम राइट कर सकते हैं, जिसको कॉन्सोल डॉट लोग कहते हैं। और जनरली ये जो कॉन्सोल है ये हम डीबगिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट को या फिर किसी फंक्शन की, जब टेस्टिंग करते हैं फॉर डिबगिंग परपजेज हम कॉन्सोल डॉट लॉग फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इन सबको एक एक करके चेक करते हैं कि चारों तरीके से हम किसी आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि हम कैसे किसी आउटपुट को रिप्रेजेंट करेंगे। सो जो पहला आपका फंक्शन है वो है आपके पास यूजिंग इनर एचटीएमएल। अब ये जो यूजिंग इनर एचटीएमएल है, ये किसी भी एचटीएमएल टैग को लेगा और टैग को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, विद द हेल्प ऑफ ए आईडी। यानी कि किसी भी टैग की हमेशा कुछ आईडी होगी। जैसे कि आपके पास एक पैराग्राफ एक टैग है, सो हमारे पास एक ओपनिंग पैराग्राफ है। सो पैराग्राफ के अंदर हम एक आईडी बना सकते हैं, लेट अस से आईडी का नाम है यहाँ पर हिमू। ठीक है, और फिर हम इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स या कुछ भी वर्क को लिखें और स्लैश हमारे पास पी आ जाएगा, तो एक हमारे पास एक एचटीएमएल टैग है। उसी तरीके से हमारे पास एक टेबल एक एचटीएमएल टैग है। आप किसी टेबल के लिए आईडी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे ही हमारे पास डीआईवी एक एचटीएमएल टैग है। तो बेसिकली हमारे पास जो भी एचटीएमएल टैग है उनके साथ हम कुछ आईडीज को असाइन कर सकते हैं, और फिर उस पर्टिकुलर टैग को जहाँ पर वो टैग यूज़ किया गया है, हम उस टैग के अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। पहले तो आपको उस टैग का रेफरेंस लेना पड़ेगा, यानी कि आप पहले उस टैग को एक्सेस करेंगे और उस टैग के अंदर जो भी हमारे पास कंटेंट है उसको आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ, टू एक्सेस एन एचटीएमएल एलिमेंट जावास्क्रिप्ट कैन यूज अ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड। तो एक मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड द आईडी एट्रीब्यूट डिफाइंस द एचटीएमएल एलिमेंट एंड द इनर प्रॉपर्टी डिफाइंस द एचटीएमएल कंटेंट। तो आईडी से हमें पता चलेगा किस एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम पैराग्राफ की हम बात कर रहे हैं, और उसका जो कंटेंट है हम उसको इनर एचटीएमएल के से हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, सो अगेन इस वीडियो के अंदर बस हमें इन चार चीज़ों को समझना है कि हम लोग कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। हम बाकी चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तभी चलेगा। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है, यहाँ पर हमने एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट जो है ये एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है। अब इस एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर हमने पहले एच2 हेडिंग को यूज़ किया,
तो जो एच टू हेडिंग है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब देखो, ना तो इस एच टू हेडिंग के साथ कोई आईडी असाइंड है, ना ही इस पैराग्राफ के साथ कोई आईडी असाइंड है, तो यानी कि हम इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ आईडी। जब भी हमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें उसकी आईडी देना ज़रूरी है। अब ये दो एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं, दो जो सेकंड पैराग्राफ है वो यहाँ पर इस टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो हमारे पास पैराग्राफ है, हमने लिखा पी आई डी इज इक्वल टू डेमो, तो ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ के अंदर हमने कोई भी कॉन्टेंट असाइन नहीं किया है। अब जब इस डॉक्यूमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। स्क्रिप्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, यानी कि ऐसा एलिमेंट लो पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट हम सर्च करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, ऐसा एलिमेंट लो जिसकी आई डी है डेमो। सो डेमो अगर पूरे डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है तो जहाँ पर भी डेमो होगा आपके पास, ऐसा जो भी एलिमेंट जहाँ पर डेमो जिसकी आई डी होगी पूरे डॉक्यूमेंट में, हम उसको लेंगे और उसके उसका एक है इनर एचटीएमएल, एक जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसका एक एट्रीब्यूट है इनर एचटीएमएल। सो इनर एचटीएमएल की हेल्प से इसके अंदर जो भी कंटेंट है हम उस कंटेंट को चेंज कर देंगे विद द 5+6 का जो भी रिजल्ट आएगा उसे। 5+6 क्या होता है हमारे पास 11, तो इसका जो भी कॉन्टेंट है हम उस कॉन्टेंट को 11 से चेंज कर देंगे। तो ये पहला तरीका है जिसमें इनर एचटीएमएल टैग से हम लोग यूज़ करते हैं और ये सबसे कॉमन वे है। इसी वे से हम लोग जितने भी HTML टैग्स हैं उनके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं और इसी तरीके से हम सबसे प्रेफरेबल मेथड भी यही है क्योंकि इसी तरीके से हम लोग आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फंक्शन आपके पास अवेलेबल है वो है यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो काम है वो बेसिकली हमारे पास जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट है हम उस डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक वेब पेज है आपके पास, इस वेब पेज के अंदर हमारे पास H2 हेडिंग है, फिर हमारे पास एक पैराग्राफ है, फिर हमारे पास सेकंड पैराग्राफ है और उसके बाद हमारे पास हमने एक स्क्रिप्ट को यूज़ किया है जहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने कुछ नंबर्स को लिखा है। सो 5+6 का जो रिजल्ट है दैट इज़ 11। इसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, ये जो HTML डॉक्यूमेंट है, जो H2 हेडिंग है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है आपके पास, फिर आपके पास जो पैराग्राफ टैग है वो यहाँ पर पैराग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है और जो सेकंड पैराग्राफ है दिस इज़ योर सेकंड पैराग्राफ। अभी सेकंड पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा है स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब आप जब भी एक HTML डॉक्यूमेंट के लोड होने के बाद, देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही जब ये HTML डॉक्यूमेंट लोड हो रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम इसका आउटपुट यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ विच इज़ 11। अब एक डॉक्यूमेंट अगर लोड हो चुका है, लोड होने के बाद अगर हम किसी मेथड से डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन को कॉल करेंगे तो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है, पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट है हम उसको डिलीट करेंगे, वो कंटेंट सारा डिलीट हो जाएगा और उसके बाद इसका जो भी रिजल्ट है वो वहाँ पर शो होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं हमारे पास एक H2 हेडिंग है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर H2 हेडिंग विच इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, माई फर्स्ट वेब पेज, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर सेकेंड पैराग्राफ विच इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, और ये आपके पास एक बटन है। इस बटन के क्लिक होने पर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको यूज़ किया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हमने इस वेब पेज को खोला तो पूरा का पूरा वेब पेज एक साथ लोड हो गया। अब जब ये लोड हो चुका है, लोड होने के बाद अगर मैं इस ट्राई इट बटन पे क्लिक करूँगा तो इस पेज के अंदर जो भी कंटेंट है एवरी कंटेंट विल बी डिलीटेड और उसके जगह पर सिर्फ जो रिजल्ट है यहाँ पर वो ही रिजल्ट रिप्रेजेंट होगा। तो आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन को बड़े ध्यान से आप यूज़ कीजिएगा, बिकॉज अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन को यूज़ करते हैं आफ्टर द एंटायर वेब पेज इज लोडेड, अगर उसके बाद आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन को कॉल करेंगे तो उससे आपके पास जो भी वेब पेज के अंदर डॉक्यूमेंट रिटर्न था, जो भी टैग्स रिटर्न थे या फिर जो भी कंटेंट था वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद इसके अंदर जो भी रिजल्ट हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सिर्फ वही रिजल्ट रिप्रेजेंट होगा। अब उसके बाद हमारे पास जनरली इट इज़ रिकमेंडेड कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट और राइट फंक्शन है इसको आप सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करें, बट दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, आप किस तरह से क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ये सब उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। बट ये रिकमेंडेशन है कि डॉक्यूमेंट और राइट फंक्शन को हम सिर्फ टेस्टिंग पर्पजेज के लिए ही यूज़ करें। अब नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड आता है विंडो डॉट अलर्ट। जनरली ये जो विंडो डॉट अलर्ट है वो किसी तरह के डायलॉग बॉक्स को, अलर्ट बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। आपने काफ़ी जगह पर चेक भी किया होगा
यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने H2 हेडिंग करी है, फिर हमारे पास पैराग्राफ है, और फिर हमने विंडो डॉट अलर्ट के ऊपर एक स्क्रिप्ट यूज़ की है। अब ये विंडो डॉट अलर्ट एक पॉपअप डायलॉग क्रिएट करेगा, और उस पॉपअप डायलॉग की हेल्प से आप जो भी रिजल्ट यहाँ से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो कॉन्टेंट यहाँ पर शो होगा, और हमारे पास एक ओके बटन होगा। अब जैसे ही आप इस ओके बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद हमारा जो पेज है वो वेब पेज इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो जो अलर्ट बॉक्स है, जब भी आप वेब पेज को लोड करेंगे, ड्यूरिंग लोडिंग द कॉन्टेंट ऑफ द वेब पेज, विंडो डॉट अलर्ट फंक्शन की हेल्प से हम किसी पॉपअप बॉक्स को यानी पॉपअप डायलॉग बॉक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्सोल डॉट लॉग। अब जनरली जो कॉन्सोल डॉट लॉग है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर डीबगिंग, यानी कि जब आप किसी वेब पेज की डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर जब किसी वेब पेज को बना रहे हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम आपको अगर ये चेक करना है कि किसी वेरिएबल का के अंदर डेटा क्या स्टोर्ड है ना, तो उसके लिए हम लोग कॉन्सोल डॉट लॉग फंक्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली डिबगिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि ड्यूरिंग टेस्टिंग पर्पजेज। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास एक H2 डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पर H2 हेडिंग है, फिर आपके पास एक पैराग्राफ है, और हमने फिर कॉन्सोल डॉट लॉग का यूज़ किया। अब जैसे आप इस वेब पेज को लोड करेंगे, ठीक है, तो इस वेब पेज को आपने लोड किया तो वेब पेज जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब इस वेब पेज को आप यहाँ पर F12 दबाएंगे, F12 एक शॉर्टकट की आपको मिल जाएगा विंडोज़ और मैक के अंदर भी। विंडोज़ में आप जाएंगे तो आपको F12 की मिल जाएगा डिपेंड ऑन योर कीबोर्ड, उसी तरीके से मैक के अंदर हमें फंक्शन प्लस F12 दबाना होगा, तो उसे हमारे पास F12 की अगर आप क्लिक करेंगे तो F12 क्लिक होने से हमारे पास एक कॉन्सोल विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। जो कॉन्सोल विंडो है वो इसका पूरा कोड रिप्रेजेंट करता है। अब इस कोड के अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे। उसके अलावा जो हमारे पास CSS फाइल है, यानी कि जो स्टाइल्स हमने यूज़ किया, वो सभी CSS फाइल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो एक हमारे पास एक टैब है जिसका नाम है कॉन्सोल। अगर आप इस कॉन्सोल पर क्लिक करोगे तो हमारे पास इस तरीके से एक कॉन्सोल मिल जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर इस पेज को रन करते हैं, यानी कि जैसे इस पेज को ओपन करेंगे, रन करते हैं वो पेज को ओपन करेंगे, तो आपका जो आउटपुट है, जो भी उसका आउटपुट था, वो यहाँ पर दिख जाएगा। अब ये जो आउटपुट है ये बेसिकली डेवलपर पर्पसेस के लिए, यानी कि डेवलपर ही इसको यूज़ करता है, इसको कोई भी जो आपके पास एंड यूज़र है वो हम एंड यूज़र इसको यूज़ नहीं करता। तो ये चार मेजर मेथड्स हैं जो आपके पास हम HTML डॉक्यूमेंट्स में जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं। तो पहला मेथड आपके पास इनर HTML, दूसरा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तीसरा है विंडो डॉट अलर्ट, और चौथा है कॉन्सोल डॉट लॉग। अब इसके ऊपर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है, जहाँ पर उन्होंने विंडो डॉट अलर्ट के ऊपर वो क्वेश्चन आया था कि अगर आपको एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स रिप्रेजेंट करना है तो वो जावास्क्रिप्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये आपका KVS PGT एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन 2016 के क्वेश्चन पेपर में आया था। उसी तरीके से सेम क्वेश्चन जो है वो आपके पास UGC नेट में भी आ चुका है। तो UGC नेट के अंदर भी उन्होंने यही पूछा था कि जो विंडो डॉट अलर्ट है, आई मीन कहने का मतलब है कि आप किसी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से किसी अलर्ट बॉक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास चार तरीके हैं, पहला है इनर HTML, दूसरा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तीसरा है विंडो डॉट अलर्ट, चौथा है कॉन्सोल डॉट लॉग। तो इस चीज़ का आप नोट बना सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।